द रूस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे और उसी के तर्ज पे बनने वाले सेलम और चेन्नई के बीच में बनने वाले एक्सप्रेस हाईवे के बारे में। इन दोनों में बहुत ज़्यादा करीब करीब एक ही तरह की कहानी है जिसके बारे में हम आपको आज बताना चाहते हैं। सन 2003 की बात है जब यमुना एक्सप्रेस हाईवे का गठन हुआ था और जब वो बनना शुरू हुआ था, तब भी हज़ारों लाखों की तादाद पर जो वहाँ के किसान थे वो सड़कों पे उतरे थे, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं और उन तमाम किसानों की जो ज़मीन थी वो छिन गई। और आज अगर आप देखें तो यमुना यानी नोएडा और आगरे के बीच में एक बहुत खूबसूरत सी सड़क बनी है, लेकिन वो किस कितना नुकसान करके बनी है ये हम आपको समझाना चाहेंगे। आज अगर आप उस एक्सप्रेस हाईवे में चलें तो दोनों तरफ स्केलेटन्स खड़े हैं बिल्डिंगों के, जहाँ पर ना लोगों को उसका कोई फ़ायदा हुआ है ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट आई है। सिर्फ ये हुआ है कि आगरा अगर आप जाना चाहें तो चंद घंटों पे जा सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर जो एडप्पाडी पल्ली स्वामी जी की जो सरकार है यानी जो तमिलनाडु की सरकार है उसने और बीजेपी यानी केंद्र की जो सरकार है, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आए यानी तमिलनाडु पे, जिसको कहते हैं सेलम और चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे, यानी 8 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है। कुछ दिनों से यहाँ पे इतनी सारी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इतने सारे जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। आखिर इनको परेशानी क्या है? जब 8 लेन हाईवे बन रहा है इतना ज़्यादा आपको डेवलपमेंट हो सकता है। हकीकत ये है ये जो बेल्ट है यानी जो सेलम से चेन्नई आता है, ये बेल्ट सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन का बेल्ट है और ये ऐसा एक बेल्ट है जहाँ पे कावेरी सबसे करीब है, यानी कावेरी का जो पानी है इन किसानों को सबसे ज़्यादा पहुँचता है। एक तर्ज ये भी कहा जाता है जो कावेरी का जो इशू है, अगर वहाँ पे किसान ही नहीं रहेंगे तो जो कावेरी का इशू है ये एक तरह से ढीला सा पड़ जाएगा, एक तरह से ख़त्म सा हो जाएगा। अगर आप इस पूरे इलाके को देखें, तकरीबन 7.5 से 8 हज़ार एकड़ की ज़मीन जो है किसानों की यहाँ से छीनी जा रही है और बहुत ही कम पैसे इनको दिए जा रहे हैं। अगर हम कहते हैं आप लाखों रुपए भी इनको दे दें तो भी क्या किसान उन पैसों से आपका पेट भर सकते हैं, फिर खुद का पेट भर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हाँ बात करें पूरे तमिलनाडु की जो सब्जियां हैं अनाज है वो यहीं से आता है, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने पानी का जो स्रोत है वो सबसे अच्छा है। अगर तमिलनाडु का बाकी हिस्सा देखें यानी मदुरई का कारेकुड़ी ये जो तिरुचनापल्ली ये पूरा जो बेल्ट है ये सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता है। जब बारिश हुई तब यहाँ पे अनाज होता है, तब यहाँ पे फसल होती है। अगर बारिश नहीं हुई किसी साल तो वहाँ पर फसल नहीं होती है। अगर आप तमिलनाडु में सड़कों की हालत देखें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी एक ज़माने पे, लेकिन हाल ही में इन सड़कों की किसी भी तरह की मरम्मत नहीं करी जाती है। नहाई के हिसाब से अगर आप देखें तो 50 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह हालत है 15 किलोमीटर के रेडियस पे आपको 3 से 4 टोल प्लाजा दिख जाएंगे, 35 किलोमीटर के रेडियस पे एक टोल प्लाजा आपको दिख जाएगा। लेकिन आप टोल अगर भर के अगर आप आगे जाएं तो आपको उस टोल का किसी भी तरह का फ़ायदा दिखता नहीं नज़र आएगा, क्योंकि उन सड़कों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप एक नहाई की सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। और अगर आप देखें सेलम और चेन्नई इन दोनों के बीच में अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको आज की डेट पे 8 लेन हाईवे की ज़रूरत है और उसको इतनी इमरजेंसी में वहाँ पे आपको डालना पड़ रहा है। बात यह है कि कोरिया और जो जापान है इन दोनों ही देशों ने यहाँ पे इच्छा जताई है कि ये अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर लाना चाहते हैं। यानी एक ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने आप पर रूल किया, अब ये ज़माना है कि जापानी और कोरिया के जो लोग हैं वो आप पे हुक्म चलाने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन उस किस तर्ज पर आप इंडस्ट्रीज़ लेके आए हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, आप सड़कें बनाएं हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी उपजाऊ ज़मीन जो कि 12 महीने कितने ही घरों को पालती है, कितने ही किसानों को रोजी रोटी देती है, तो ये आखिर किसान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब इस तरह की बातें कुछ एक एक्टिविस्ट उठाते हैं जिसमें कि सबसे अहम जो है उनका नाम है पीयूष मनुष, जो कि बहुत समय से यहाँ पे इसी इन तमाम चीज़ों को उठाते आ रहे हैं। पीयूष मनुष के खिलाफ भी तमिलनाडु की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक और
यहाँ पे एक्टर हैं जिनका नाम है मंसूर अली खान, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर ये सड़क आती है यहाँ पर तो मैं इसको नहीं आने दूंगा। उनको उसी दिन रात को उनके घर से उठा लिया गया ये कह के कि आप दंगा भड़का रहे हैं। ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, ऐसे कई और सारे लोग हैं, जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसको उठा लिया जाता है। इस पूरे हाईवे की जो लंबाई है वो है 275 किलोमीटर, जिसमें लगने वाले हैं 10,000 करोड़ रुपए। अब मज़े की बात यहाँ आती है, नितिन गडकरी साहब और EPS इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फरवरी के महीने में, को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फ़ायदा तो यहाँ पे किसी को दिख नहीं रहा है, फ़ायदा हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि ये केंद्र की सरकार और यहाँ की जो EPS की सरकार है इन दोनों की ही तिजोरियाँ भरेंगी। अगर यही 10,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु की सड़कों की मरम्मत पे लगा दिया जाए, तमिलनाडु की जो किसान हैं उनके ऊपर लगा दिया जाए, तो शायद तमिलनाडु की प्रगति और ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा जो इनका जीवन है वो बेहतरीन हो सकता है। आशा करते हैं कि तमिलनाडु की खबर जो है जो आप तक नहीं पहुँचती है बाकी मीडिया हाउसेस के द्वारा, हमारे ज़रिए आप तक पहुंच पाई होगी। आप इस चीज़ को समझेंगे कि एक ऐसी उपजाऊ ज़मीन, एक ऐसी ज़मीन जिस पे इतनी अच्छी नदी यानी जो पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा उपजाऊ जो है उसको छीन कर क्या सड़क बनाना सही है। कमेंट बॉक्स पे लिखें क्या आपको लगता है कि एक एक्सप्रेस हाईवे उस जगह पे बनना चाहिए जहाँ पर किसान अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, हाँ या फिर ना। बने रहें हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।